हाय एवरीवन, चलो आज कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। हमारे घर में जो भी अलग अलग चीज़ें हैं उनसे कुछ नया बनाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्रीम की छोटी सी डिब्बी ली है सर्कल के लिए, पेन लिया है, आप पेन की कैप भी ले सकते हैं, एक्रेलिक कलर्स लिए हैं, ब्रशेस लिए हैं, एंड मैंने यहाँ पे A4 साइज की आईवी शीट ली है एंड वाटर एज यूजुअल। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस क्रीम की डिब्बी पे येलो कलर में इसे डिप करके मैंने यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं, सर्कल्स पेंट कर लिए हैं। आप जितने मर्जी सर्कल पेंट कर सकते हैं, जितने भी आपको फ्लावर्स बनाने हैं वैसे। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ, कलर आप अपनी चॉइस से यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल्स बना लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट किया है, अब जिन्हें सर्कल नहीं बनाना आता, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, फटाफट बन जाएगा, कोई इसमें इतना झंझट नहीं है कि आपको कंपास यूज करनी पड़ेगी उससे सर्कल बनाना पड़ेगा, या छोटे सर्कल के लिए आप डायरेक्ट आप क्रीम की डिब्बी हो आपके पास, घर में कोई भी चीज़ हो आप यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है और फ्लैट ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश से मैंने जितना फ्लैट ब्रश है उसी, मतलब जितना भी नंबर है उसका उसी से देखो मैंने कैसे ये फ्लावर बना दिए हैं। आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ये बहुत इजी है। थोड़ी सी फास्ट करूंगी मैं वीडियो, क्योंकि आगे सेम प्रोसेस है, सेम कलर आप चेंजेस है बस, और कुछ नहीं है। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट कैसे करना है, नेक्स्ट फ्लावर कैसे बनाना है। अब यहाँ पर मैंने पेन की कैप यूज की है और उससे मैंने कलर में डिप करके ऐसे मैंने सर्कल्स बना लिए हैं, ये नेक्स्ट फ्लावर बन गया। बहुत इजी है बिगनर्स के लिए, छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, या जिन्हें नहीं आती पेंटिंग करना वो उनके लिए सबसे इजी मेथड है, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और फ्लावर्स तो सबको ही पसंद होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से बना लिया है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे बना दिए हैं, और ऐसे ही मैं डिफरेंट कलर यूज करके इसमें बना लूंगी और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगी। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रश से, बिल्कुल जीरो नंबर वाले ब्रश से यहाँ पे स्टैम्प बनाने शुरू कर दी है, ये बहुत इजी है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आपने इतना टाइम दिया मेरी वीडियो को देखा, आप लोगों को पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच, ओके गाइज, पूरी वीडियो देख के जाना, and thank you so much.